तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कटोरी साबुदाना लिया है, इसे पैन में डालकर थोड़े सेंक लेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। साबुदाना ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। पिसे हुए साबुदाना को छन्नी में डालकर छान लेंगे, जिससे कोई लम्स ना रहे। तो पिसे हुए साबुदाना को हमने छान लिया है। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का बॉयल आलू लिया है, इसके छिलके हमने निकाल दिए हैं। इसे मैश कर देंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने को हमने पीस लिया है। 2 चम्मच साबुदाना वाले आटे में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, व्रत वाला नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हरी धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे, कड़ी पत्ते को इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर देंगे। इनमें से जो चीज आप व्रत में न खाते हो उन्हें स्किप कर दें। मैश किए हुए आलू को डाल देंगे। आलू को भी इसमें अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर देंगे। इसका एक डो बना लेंगे और ये डो बनकर रेडी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक प्लेट या थाली लेना है। थोड़े इसमें घी ग्रीस कर देंगे, घी या ऑयल जो भी आप व्रत में खाते हो। इस तरह से इसको रख के फैला देंगे। इसको इस तरह से बराबर कर देंगे, कटोरी की हेल्प से चिकना कर देंगे और 2 मिनट बाद इसे नाइफ से कट कर लेंगे। आप अपने मन मुताबिक शेप में इसे कट कर सकते हैं। आपको जिस शेप का नाश्ता बनाना हो उसी तरह से आप इसे कट कर लें। मैं इसे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ और इस तरह से सारे पीसेस इसके निकाल लेंगे। चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। मैं इस नाश्ते को सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल का टेम्परेचर हाई हो तभी इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए डालना है। इन्हें डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर इन्हें उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेना है, जिससे ये अंदर तक पक भी जाएंगे और बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें पैन में से छान कर निकाल लेंगे और इन्हें डाल देंगे प्लेट में। और इनकी आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से बनाकर आप व्रत में स्नैक्स में ब्रेकफास्ट के रूप में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।